अगर आप अपने MIUI के डिवाइस में QS पैनल को कस्टमाइज करना चाह रहे, देख सकते हैं आप यहाँ पे जो बाय डिफॉल्ट आपको QS पैनल देखने को मिलता कुछ इस तरीके से मिलता, बहुत बोरिंग सा इसका लुक है। तो आज अपन देखेंगे इसको कैसा कस्टमाइज करना, iOS का QS पैनल आप इसमें कैसा अनलॉक कर सकते। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपके डिवाइस में कस्टम रिकवरी इंस्टॉल रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, रिकमेंडेड यहाँ पे TWRP रिकवरी है। अगर नहीं पता कैसा इंस्टॉल करते तो आई बटन पे वीडियो मिल जाती। यहाँ पे कस्टमाइज करने के बाद आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का QS पैनल आपको देखने को मिल जाता। iOS का ये QS पैनल है और देखने में बहुत प्रीमियम लुक है इसका। यहाँ पे बैकग्राउंड पे देख सकते हैं ब्लर बहुत अच्छा वर्क करता। इसका जो UI है व्हाइट कलर में आपको देखने को मिल जाता, ऊपर आपको म्यूजिक प्लेयर भी देखने को मिल जाता। और यहाँ पे डार्क थीम में भी मैं आपको चेक करा देता हूँ QS पैनल कैसा लगता। तो देख सकते हैं डार्क थीम में कुछ इस तरीके का QS पैनल आपको देखने को मिल जाता, ये भी देखने में बहुत अच्छा लग रहा। जैसे आप इसको स्वाइप डाउन करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का एनिमेशन देखने को मिल जाता। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप इसको कैसा कस्टमाइज कर सकते। इंस्टॉल करने के लिए आपको अपने कस्टम रिकवरी TWRP में बूट हो जाना है। यहाँ पे इंस्टॉल वाले अपन चलेंगे और यहाँ पे आपको अपनी फाइल को लोकेट कर लेना है। देख सकते हैं ये वो फाइल है, इसी फाइल की मैं बात कर रहा था, white iOS cc twrp.zip। अराउंड ये 6 MB की फाइल है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, सिंपली अपन इस पे टाइप करके इसको फ्लैश कर देंगे। फ्लैश होने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, अराउंड 30 सेकंड्स तक लगते। तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्लैश सक्सेसफुल हो चुका है, रिबूट सिस्टम पे अपन टैप कर देंगे। रिबूट हो जाने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे QS पैनल अपने डिवाइस में इंस्टॉल्ड हो गया। तो ऐसा आप अपने QS पैनल को कस्टमाइज कर सकते। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो। आपके लिए मैं ऐसे ही कंटेंट लेके आते रहता हूँ भाई, मेरे एफर्ट्स को आप अप्रिशिएट नहीं करते। आप वीडियो देख लेते, लाइक नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते। तो भाई लाइक और सब्सक्राइब कर दो। मैं अब एंड करता हूँ वीडियो को, मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में।